आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने राज्यों की इकाई में बड़े फेरबदल किए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की कमान राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को सौंपी है। गोहिल इससे पहले तक दिल्ली और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन अब उन्हें वापस गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है और शक्ति सिंह गोहिल का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। शक्ति सिंह गोहिल को क्यों मिली जिम्मेदारी? पहला कारण, शक्ति सिंह गोहिल की कांग्रेस हाईकमान से काफी करीबी रिश्ते हैं। शक्ति सिंह गोहिल को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। यही वजह है जब कांग्रेस गुजरात में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है तब पार्टी ने उन्हें अपना कप्तान बनाया है। दूसरा कारण, शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के भावनगर से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि शक्ति सिंह को गुजरात की राजनीति का लंबा अनुभव है और वो सरकार और संगठन के साथ राष्ट्रीय राजनीति का अच्छा खासा एक्सपोजर भी रखते हैं। तीसरा कारण, शक्ति सिंह को बीजेपी की रणनीति के खिलाफ काम करने का भी अनुभव है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शक्ति सिंह गोहिल नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। चौथा कारण, 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अनुभवी नेता के तौर पर शक्ति सिंह गोहिल को जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी गुजरात में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके। पांचवा कारण, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट टू लेकर आ सकती है और इस बार ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू होगी। इसी वजह से शक्ति सिंह को बतौर गुजरात की कमान सौंपी गई है। छठा कारण, शक्ति सिंह गोहिल का गुजरात इकाइयों के ज्यादातर नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की गुटबाजी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए अब आपको ये भी बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड कैसा है। शक्ति सिंह गोहिल का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड, शक्ति सिंह गोहिल 1986 में भावनगर जिला युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1989 में गुजरात राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव बने थे। गोहिल क्षत्रिय समुदाय के बड़े नेता हैं। वो गुजरात में कांग्रेस की आखिरी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। गोहिल राजनीति में 34 साल से सक्रिय हैं। शक्ति सिंह गोहिल के सामने चुनौतियां। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 182 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसे देखते हुए गोहिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में मजबूत करें और बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोकें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी चुनौती देना इस समय शक्ति सिंह गोहिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल के प्रदेश की कमान मिलने के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, वहीं बीजेपी के खेमे में थोड़ी टेंशन है, क्योंकि प्रदेश की 26 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि गोहिल आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कितना सुधार पाते हैं।